भीड़ में जब आदमी चलता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। अकेले रहो और जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। कई सालों पहले ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज इसी रहस्य के बारे में हम आज के इस वीडियो में गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए गौतम बुद्ध की कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, मौन का महत्व। एक व्यक्ति, कोई जिज्ञासु, एक दिन आया। उसका नाम मौलुंग पुत्र था। एक बड़ा ब्राह्मण विद्वान 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलुंग का पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूं। मैं तुम्हारे सिर में भनभनाते प्रश्नों को देख सकता हूं। एक वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोर समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी भी बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा, यह मैं वचन देता हूं। मौलुंग पुत्र कुछ चिंतित हुआ। एक वर्ष केवल मौन रहना और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी हैं या नहीं। तो हो सकता है एक वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए, इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वही पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलुंग पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है, तुम क्यों हंस रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज है। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया जब मैं आया था। तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, पहले 5000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश भी में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो, और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा। तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया, मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा, यदि तुम पूछो ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। एक वर्ष बीता। मौलुंग का पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई, भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब एक वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही न रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम एक वर्ष पहले यहां आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि एक वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलुंग का पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होते हो, वे विरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न होते हैं, और मन की एक अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है, प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है, हर चीज सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है, कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। तो चलिए गौतम बुद्ध की दूसरी रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, बुद्ध ने बताया शांति पाने का उपाय। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सान्निध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी
और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकाल उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाही। सेठ जी बोले, महाराज मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है, फिर भी मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटे ही बदलता रहता हूं। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फेंककर कहा, सेठ तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बुद्ध बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो, धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चैन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो, पेड़ पौधे फूल पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है किंतु वह चिंता मुक्त है, अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सतत लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अति शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। तो चलिए गौतम बुद्ध की तीसरी रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, एक क्रोधी ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज ये व्यक्ति कितना उदंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब एक दो रुपए के घड़े को कोई इतनी परा कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य आक्रोश व समता भाव कितना है, यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। तो चलिए गौतम बुद्ध की चौथी रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, बुद्ध ने संयम सिखाया। बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बौखलाए स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है, आप सभी चलें, उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले, प्रियवर सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती, तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहां बचा रहेगा? शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया था, आप चलिए तो सही, आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा, इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध कुछ विचार कर बोले, अच्छा यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए नहीं तो रात हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, रात आएगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो आएगा, यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना, कल चलेंगे, दूसरे दिन बात आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर बुद्ध ने शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलना है? शिष्य ने कहा, नहीं, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी, अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। शिष्य बुद्ध का आशय समझ उनके प्रति नतमस्तक हो गया। तो चलिए गौतम बुद्ध की पांचवी रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी, सुख की नींद। एक बार गौतम बुद्ध सिंसवा वन में पर्णशैया पर विराजमान थे।
कि हस्तकालबक नामक एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा, भंते, कल आप सुखपूर्वक सोए ही होंगे। हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया। किंतु महात्मा, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। अच्छा कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वायु रहित और बंद हो, उसके पलंग पर चार अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, तकिया कालीन का हो तथा ऊपर वितान हो और सेवा के लिए चार भार्याएं तत्पर हों, तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हां भंते, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला वह सुख से क्यों ना सोएगा, उसे सुख की नींद ही आएगी। किंतु कुमार, यदि उस गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाला शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। कुमार, तथागत की राग द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई है, इसी कारण सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण की आवश्यकता नहीं होती। तुमने यह तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है, और यदि सुखद आस्तरण हो तब तो बात ही क्या, सुखद नींद के लिए वह निश्चय ही सहायक होगा। तो चलिए गौतम बुद्ध की छठी रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, गौतम बुद्ध ने दी प्रेम में संयम की सीख। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने बताया कि उसका एकमात्र पुत्र आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुआ। तभी से उसके शोक में न वह ठीक से सो पाता और न खाता पीता है। बस एक ही आशा में उसका जीवन बचा हुआ है कि कहीं से उसका पुत्र फिर से आ जाएगा। उसकी व्यथा सुनकर बुद्ध बोले, लगाव से दुख ही होता है। उस व्यक्ति ने असहमति जताते हुए कहा कि आप गलत कह रहे हैं, लगाव से कष्ट नहीं होता, वह तो प्रसन्नता और आनंद देता है। बुद्ध कुछ और कहते इसके पहले वह वहां से चला गया। यह बात सार्वजनिक बहस बनकर राजा प्रसेंजित तक पहुंची। उन्होंने रानी के समक्ष हुई बातचीत में बुद्ध को गलत ठहराया। रानी बुद्ध की बात का मर्म जानती थी, इसलिए उन्होंने बुद्ध के द्वारा अपनी बात के समर्थन में सुनाई गईं दो घटनाएं राजा को बताते हुए कहा, महाराज, श्रावस्ती में हाल ही में एक महिला मां की मृत्यु होने से दुहक में पागल हो गई। दो प्रेमियों ने लड़की का विवाह किसी और से हो जाने पर आत्महत्या कर ली। इससे यही प्रकट होता है कि लगाव से दुख होता है। क्या आप राजकुमारी को प्रेम करते हैं? राजा चकित होकर बोले, अवश्य ही करता हूं। रानी ने प्रश्न किया, यदि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो क्या आपको दुख ना होगा? राजा ने स्वीकार किया कि उन्हें दुख होगा। अब वे बुद्ध की बात से पूर्णतः सहमत हुए। वस्तुत लगाव या प्रेम आनंद देता है, किंतु अनुकूल परिस्थितियों में यह संभव होता है। प्रिय पुत्र के अभाव या उसे कष्ट में देख यह प्रेम दुख में परिणत होकर तकलीफ देता है। इसलिए अपने प्रेम को संयम की लगाम से कस कर रखें। तो चलिए गौतम बुद्ध की सातवीं रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। सातवीं कहानी, बुद्ध का वैराग्य। गौतम को घर छोड़े 7 साल बीत चुके थे। वे राजगृह में प्रवचन करते थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने एक वर्ष के भीतर 10 दूत उनके पास भेजे थे कि एक बार दर्शन दे दो। वे कपिलवस्तु पहुंचे। उनके साथ उनके दोनों प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मौद्गल्याण भी थे। वहीं दोनों शिष्य, जिनकी अस्थियां सांची के दूसरे स्तूप से मिली थी, उन्होंने कपिलवस्तु के दक्षिणी छोर से भिक्षाटन शुरू किया। संघ के सैकड़ों लोग उनके साथ थे। उन्हें देखने पूरा नगर उमड़ पड़ा था। अपने प्रिय राजकुमार को भीख मांगता देख लोग रो पड़े थे। राजा को पता चला तो वे अपने बेटे को देखने सड़क पर गए। बहुत आग्रह करने के बाद शाक्य मुनि ने राजा पिता का निमंत्रण स्वीकार किया और राजभवन में गए। राजा ने संघ के अन्य भिक्षुओं को भवन के विशेष परिसर में ठहराया। जब शुद्धोधन शाक्य मुनि का हाथ पकड़कर चल रहे थे तो अवश्य ही उनके चेहरे पर पिता होने का वह भाव आया होगा जो पुत्र का मार्गदर्शक होने के नैसर्गिक अधिकार से भरा होता है। खुद शाक्य मुनि इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। भवन में राहुल की माता यशोधरा के पास भी तुरंत यह संदेश पहुंचा कि गौतम लौट आए हैं। वे जाई और अपने पति से मुलाकात करे, लेकिन यशोधरा ने इनकार कर दिया। गौतम उसे छोड़कर गए थे, आज लौटे हैं तो वह क्यों जाए भला उनका सत्कार करने। यशोधरा ने संदेश भिजवाया, यदि एक पल के लिए भी आर्यपुत्र ने मुझ में कोई गुण देखा हो तो वे स्वयं इस कक्ष तक आएंगे, जहां से वे आधी रात बिना बताए चले गए थे।
तथागत राहुल माता का संदेश पाकर उनके कक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा, वे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, तुम दोनों शांत रहना, कोई प्रतिक्रिया मत करना, उन्हें सुरुचिपूर्ण वंदना करने देना। कमरे में तथागत अपनी शैली में बैठ गए। सारिपुत्र हमेशा की तरह उनकी दाईं और मौद्गल्यायन उनकी बाईं ओर बैठे। यशोधरा आईं, वे राजकुमारी नहीं दिख रही थीं। उन्होंने तथागत के चरण स्पर्श किए और उनके सामने बैठ गईं। कमरे में शांति थी, तभी राजा शुद्धोधन कमरे में आए बेटे। बहू को आमने सामने देख उन्होंने बेटे से कहा, भंते, यशोधरा ने सुना आपने काषाय वस्त्र धारण किया है, तो उसने काषाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है, तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया, तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं, वे इसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह यहीं रहती है, इसी कक्ष में, यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए। शाक्य मुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था, लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूं उस पल क्या हुआ होगा, उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है, क्या संयम उसका गरुड़यान है? धम्मपद का 13वां श्लोक बार बार याद आता है, यथागारम दुच्छेन बुट्टि समति विभजति एवं अभावितम चित्तम रागो समति विभजति। इसका मतलब है, घर की छत मजबूत ना हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका ना गया हो, तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है, ध्यान और एकाग्रता जीवन को सार्थक करते हैं। तो चलिए गौतम बुद्ध की 8वीं रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। चित्तस 8वीं कहानी, सत्संग का महत्व। महात्मा बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था, उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए, तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहां से सुनकर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है, बताइए मैं क्या करूं। बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है, और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे, तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की 9वीं कहानी की तरफ। 9वीं कहानी दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहां तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशायुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं।
देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए मैं समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और ये पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था? राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूं। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। ऐ राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ विधवा किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही लोग सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। मित्रों जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।